अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मोहम्मद अमीन और आज मेरा सफ़र है लाहौर से कराची तक का ग्रीन लाइन में। अभी जो है वो 8 बजे हैं तकरीबन, ग्रीन लाइन पहुँचने वाली है। 5-7 मिनट तक जो है लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँचेगी। 8:30 बजे यहाँ से इसकी रवानगी है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे टाइम पर ही जो है वो पहुँचेगी। होपफुल डेट अच्छी ट्रेन है। अभी तक तो जो है वो जब से इस्लामाबाद से चली है और बिल्कुल टाइम पर, या 2 मिनट का शायद डिले है, तो लेट्स सी। क्योंकि ये ट्रेन जो है वो इस्लामाबाद से चलती है पिंडी, और पिंडी से फिर लाहौर आती है। तो जैसे ही आती है फिर हम उस पर सवार होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय लाहौर। जो है ये है कि जो ट्रेन 3 बजे चलती है कराकरम एक्सप्रेस, वो अभी आई है, जिसने जो है वो 8:15 बजे चलना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 5.5 घंटे ये ट्रेन लेट है, ये जो अभी आ रही है कराकरम एक्सप्रेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेन, लास्ट में मैंने आपको इसमें से सफ़र करवाया था, ये आ गया। तो इस दफ़ा जो है वो मैं ग्रीन लाइन में हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो इन टाइम आ रही है कराकरम एक्सप्रेस। 5 घंटे जो है वो लेट है, और यहाँ से जो है अब इसने फैसलाबाद के लिए तैयार है। ये बहुत सा रश जो है मेरे सामने आप देख रहे हैं, तो ये सारे लोग इसी में बैठ जाएंगे, तो उसके बाद मेरी ट्रेन आएगी। ये ऐलान आप सुन रहे हैं, 2 नंबर प्लेटफार्म की जगह ग्रीन लाइन जो है 5 पे आ रही है, तो वहाँ पर आ रही है। तो मैं तो यहाँ से अब मूव कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे अनाउंसमेंट हो रही है, तो चलते हैं 5 पे जी। बिलाखिर ग्रीन लाइन जो है वो आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर, तो लाइट्स भी साथ ही ऑन कर दी उन्होंने। लेट्स सी, आपको दिखाता हूँ। 4553 लोकोमोटिव के साथ जो है वो ग्रीन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो है वो आ गई। ये इस्लामाबाद मारवला स्टेशन से जो चलती है, इससे पहले मैंने आपको जब इस्लामाबाद मारवला स्टेशन गए थे तो वहाँ का भी इसका व्यू दिखाया था। इंजन के अंदर GEU-20 है, इस इंजन में जो है वो हमने बैठकर आपको रिव्यू करवाया था। ये आ गई थी हमारी ग्रीन लाइन, तो हमारी कोच नंबर 3 है। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे आकर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर तो हम मौजूद हैं। एक्चुअली कोच नंबर जो है वो 1 और 2 इसके साथ लगी होती है, 3, 4, 5 और ऑनवर्ड जितनी बाकी कोचेज़ हैं वो लाहौर से साथ में अटैच होती हैं। तो लोकोमोटिव जो है उन कोचेज़ को लेने के लिए यहाँ से कट ऑफ हो गया है, और दोबारा से जो है मौजूदा लोकोमोटिव जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, तो 3 बज चुके हैं, सहरी का टाइम है, बहावलपुर ट्रेन पहुंच चुकी है। ये बहावलपुर का जंक्शन, थोड़ी सी नींद पूरी हुई थी, अभी जो है वो फिर फ्रेश होने का सोच रहा हूँ। चाय नहीं मिल रही यहाँ से, ढूंढता हूँ अगर मिल गई अच्छी सी चाय तो आपको चाय पिलाता हूँ। सिंध के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर स्टॉप तो नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है वो सिग्नल
नहीं मिल रहा जिसकी वजह से चल नहीं रही। मूव करना शुरू कर दिया। 8:10 सुबह के और रोहड़ी स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो तकरीबन 20 मिनट का स्टे होता है। ये मेरे पीछे आपको रोहड़ी जंक्शन, यहाँ पर जो है हर ट्रेन रुकना होता है, रिफिलिंग होती है वाटर की, स्टे किया जाता है, सफाई वगैरह हो रही है कई जगह। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खाने पीने बेचने वालों का भी जो है वो काउंटर एक बंद जाता है, तो यहाँ से 20 मिनट के बाद तकरीबन ट्रेन जो है वो हैदराबाद की तरफ रवाना। इस वक्त 11:11 नवाब शाह, लेकिन सुना है कि कराची में काफ़ी बारिश हो रही है। क्रॉसिंग है, आगे से एक ट्रेन आ रही है। नांदी स्टेशन जो है पहुँचे, जबकि इस वक्त जो है वो हमें घरों में बैठना होना चाहिए। चले, कुछ ट्रैक इश्यूज हैं, कुछ इससे पहले की जो ट्रेन लेट थी वो इसके आगे आगे चल रही है, जिसकी वजह से इसको रुकना करना पड़ा, वरना चलकर तो बहुत ज़बरदस्त आई। इससे आगे शायद रिग रोड है, कराची कैंट, कराची कैंट स्टेशन। गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर लग रही है, बारिश हुई हुई है, रात से बारिश हो रही है। और अभी देखें प्लेटफॉर्म नंबर 4 का समय लग रही है, वो देखें कहाँ से लोग करती हुई आ रही है।